11 बज गया, अभी तक चंचल ने डाइट नहीं भेजी है। मैं सोच रही हूँ फिर ना बीट वाला पास्ता लूंगी, कभी कभी भूख लिखती है तो मेरे पास है नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ। ये जो कबूतर और ये कबूए वगैरह बीट करते हैं, आए हाय बीट नहीं बीट, बीट ही तो कह रही है तू, मैं भी तो वो उसमें डालते हैं वो उसमें। फालतू मत बोलो, मेरे खाने की उल्टी हो जाएगी अभी यहीं पे ही। तूने तो कहा बीट बीट बीट, हाँ वही बीट नहीं बीट, अरे वही बीट। ए भगवान, मेरे बाप ने कहाँ ब्याह दिया 8वीं फेल से, तो अपने बाप की गलती मेरे पे क्यों थोप रही है जिसको बीट और बीट नहीं पता। गलती तेरे बाप ने करी, ब्लेम मेरे पे कर रही है। छी बीट, मुझे तो सोच के यक उल्टी आ रही है। तू ही तो कह रही है बीट बीट, तो मैं तो कह रहा हूँ पहले वो चिड़िया वगैरह तो आती नहीं, अब तो कबूतर और वही आते हैं, कौवे वगैरह। कौवे भी बहुत कम आते हैं, तो तू इतना महंगा मंगा के यहाँ से ये ऊपर से उठा के दे दूंगा, यहाँ पे बैठते हैं कबूतर उठा के दे रही होता तुम्हारी बतेरी पैंटो पे पजामे पे टी शर्ट पे लगी होती है, वो ही निकाल लेना। शर्म तो आती है, खाने के मामले में किसी गंदी बातें करते हैं। तू ही कह रही है, मेरे को क्या दिक्कत है। पैंट खटमल से परेशान होकर ना मुझे किसी ने बताया था, मैंने प्रसाद बोल दिया, 21 रुपए का प्रसाद बोल दिया, और उसके बाद मुझे खटमल अब तक तो दिखे नहीं है, पता नहीं अब 21 रुपए कितने दिन मेरा काम करेंगे। पेस्ट कंट्रोल के खातर कराया था राखी जी, 21 रुपए का प्रसाद ही ना बोल देते डे वन। अरे पेस्ट कंट्रोल के बाद जब दिखे थे तभी तो बोला था, उससे भी की पेस्ट कंट्रोल से भी जा रहे थे, मैं घबरा गई थी। वैसे ना होती चीजें तभी जब मन में आती है, इसीलिए मैं, क्योंकि क्या हुआ अभी तक मेरे को विश्वास था कि मैं पेस्ट कंट्रोल करवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, जो एक माइंड सेट होता है ना हमारा, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल से जब पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद भी मेरे को दिखे और मुझे नींद नहीं आई, तब मुझे लगा कि भैया तब मैंने प्रसाद बोल ही दिया। अब देखो भगवान जी मेरे 21 रुपए में कितना काम चलाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा भी चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आज मैंने बनाया है इडली और सांभर और नारियल की चटनी। फ्रेंड्स ये बन रहा है मेरा सांभर और ये है नारियल की चटनी। अब नारियल की चटनी भी जैसे कि आप लोग तो दो बनाते हुए, ये मैंने बनाई है थोड़ी सी गाढ़ी और ये मैंने बनाई है पतली। को फ्रेंड्स अपनी अपनी वेराइटी चाहिए, बेचारा बनाने वाला क्या करे, किसी को ये चाहिए किसी को वो चाहिए। इडली राजमा की चटनी में ठीक है, मुझे क्या है मिक्सी का जार धो के और वो बल्कि धुल जाता है पूरा उनकी पतली चटनी के चक्कर में, तो पहले मैं गाड़ी निकालती हूँ उसमें पानी डालती हूँ कर देती हूँ। जी जा रहा है इडली राजमा जी के लिए नाश्ता। लो आपड़िया सापड़िया इडली, क्या बात है, आज लगता है कुछ एक दो दिन में, अरे रक्षाबंधन है, तूने अपने घर जा रहा है, दिल फटेगा जल्दी से जा रहा है पक्का। तो घर जाने से क्या मतलब है, वहाँ से मिलेगा या तुम लेके जाओगे? सुनो तुम्हारे घर में अगर चम्मच नहीं थी, मेरे डिनर सेट में तो 24 चम्मच आई थी, ये हाथ से क्यों खा रहे हो? पता है कहाँ से लाए थे, कहाँ से उठा उठा के लाए थे, कहीं पे तो गुरुद्वारे का नाम लिखा हुआ है। चलो कहीं से भी लाए, 24 चम्मच तो आई थी। अरे जब ला ही रहे थे तो 40-50 ले आते। ये देखो फ्रेंड्स इनको हाथ से खाने का, ये 2 चम्मच मेरे दहेज की रखी हुई है, पर खाए वही गंदी आदत है ना, घर में चम्मच थी नहीं, वही आदत पड़ी हुई है बिना चम्मचों के खाने की। ये देखो रील बनानी है क्या? अरे आप बना लो, चलो रील नहीं आपको, मैंने भी आज कुर्ती पहनी हुई है तो डाउन हो गई। अरे अभी ऐसे ही बनाने क्या जरूरत है, मैं तो नेचुरल एक्टिंग करता हूँ। चलो तो एक काम करता हूँ ना, पैंट बदल लूँ, पजामे में थोड़ी आऊंगा ससुराल से। ससुराल वाले पजामे में बाहर निकाल देंगे, आज तक घुसने ही नहीं दिया। वो तो कच्चे में भी नहीं निकालेंगे, तुम कच्चे में भी होगे तब भी। अरे 26 साल हो गए अब, वो टाइम गया, अब तो पैंट में भी पसंद नहीं आए ना पैंट उनको, तो भी कहेंगे जाओ बदल के आओ। अब तुम बदल रहे बदलो, नहीं बदल रहे बदलो, चलो वीडियो बनानी है मगर ले। पैंट तो वैसे ही नेचुरल पोज आने हैं, क्या बदले और क्या ना बदले। चले अब चलो वीडियो के लिए वैसे ना पहने, वैसे कच्चे भी चलते दोनों नौटंकी है। मम्मी ने देखो पर्स टांग लिया,
दोनों एक्टिव हो जाए पूरे। लिफाफा भी चाहिए अब। ससुराल से लिफाफा भी तो मिला है। लिफाफे देते भी है लो घंटी भी नहीं। दरवाजे इधर खड़ी हो गए, तू दरवाजा खोलते हुए बने बनेगी। मैं मेरे को कहाँ जाना है? दीक्षा बाहर इधर जी लड़ेंगे। ये बंद करके ये दरवाजा खोल, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल, पहले दिमाग बहुत खराब है। क्या मुसीबत आ गई? तेरे पियर गया था 200 रुपए की सेब लेके, दिए तेरे पियर वालों ने 100 रुपए। मुझे लेने गए थे सेब बेचने गए थे। दोनों ही काम करने गया था। दोनों ही काम करने गया था, अपने सेब भी बेच लेते, मेरे को लेने जाने की क्या जरूरत पड़ी? तुमको शर्म आनी चाहिए, 200 रुपए के सेब है और 100 रुपए दे रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, जाली वाइफ के कपड़े ये देखो, मतलब ये हाथ भी नहीं जा रहे मेरे, जगह नहीं है। और अब मैं उसको कहूंगा ना रक्षाबंधन पे मेरे ससुराल चलना है, तो कहेगी सुनो जी मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े दिला दो, मेरे पास कपड़े नहीं है, 2-4 साड़ियां दिला दो, तो आओ चलते हैं देखते हैं क्या कहती है जाली वाइफ। अरे कल रक्षाबंधन है। हाँ तो तुझे तो वहाँ जाना होगा मेरे ससुराल, अपने भाइयों को राखी बांधने जाना तो जाना तो है। और क्या करूँ, कपड़े ही नहीं है ना, साड़ी है ना सूट है, सोच लू क्या पहन लूँ। तब से मेरे देखो चेहरे पे 12 बज रहे हैं, टेंशन के मारे कपड़े ही नहीं है मेरे पास, कुछ दिला लो जाकर। लक्षिता खाली कर दी पूरा नई सड़क साड़ियों की खाली कर दी, फिर कहती है मेरे पे कपड़े नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अलमारी खोल के दिखाई थी और क्या कहा था? तुमने मेरी अलमारी खोल के दिखाई है? तेरी नहीं अपनी। हाँ फिर ठीक है अपनी। सुनो इसके साथ ना चाय ले लो, जब तक तो खा चुका हूँ। अरे तुम्हारी चीन चाय में झंझट नहीं है ना, 1 सेकंड में बन जाएगी। पानी रखो, चीनी पत्ती डालो और पकड़ छान के दे दो। एक काम करना, एक कप में थोड़ा पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध डाल के दे दे, पीऊंगा तो पेट में पक जाएगी। अरे नहीं है, इतना भी जुल्म नहीं कर सकती मैं तुम्हारे ऊपर। अच्छा दीक्षा, पापा की चाय बना दे बेटा, इनकी तो 1 सेकंड में बन जाएगी कच्ची पक्की, उन्होंने करना ही क्या। मैंने बस सुन लिया, वीडियो बन रही है, चाय रख भी ली। रख दी? ओह नोना तो मेरा बड़ा कमेरा, बस अब आई छन के। नोना कमेरा इसलिए बन गया क्योंकि सारी भावेश की तारीफें आ रही हैं। ओह बस अब छन के आई तुम्हारी चाय, 1 सेकंड में आई बस छन के, तुम्हारे मुंह का गस्सा भी नहीं अंदर जाएगा पेट के अंदर, और चाय हाजिर टूटी खोल के चाय आएगी। गले में रोक लेता हूँ, पेट में जाने ही नहीं देता। अरे तो मुंह में ही मत डालो ना, 2 मिनट सबर तो पकड़ लो, तुम्हें तो घड़े ही तावले हो रहे हो। कल मैंने मेरे ससुराल जाना है तो अभी पहले पेट भर लूं, पता नहीं। पता नहीं क्या, पता नहीं मम्मी ने अभी चाय आने वाली है। 1 2 बस टूटी खुली, अब खुली, अब आई 2 2 2 2 3 लो आ गई टूटी खुल के चाय। मेरे मक्खन क्यों ले रहे पापा? सुनो ये गाली वाला मक्खन क्यों ले रहे हो, लड़की वाला? सारी काम के लिए मैं ही मरूं, मैं ही चलूं। तेरी माँ के लक्षण यही हैं। हाँ मतलब बच्चे ठंडा दूध पिएंगे, किसी काम को ही के राजी नहीं है। हाँ तुम्हारे मालिक 2 किलो दूध मंगवाया मैंने, अभी तरह बाप तो मंगवाता भी नहीं कि बच्चे पिएंगे। पिताश्री सबसे पहले मंगाते दूध, शाम को शॉप से आती, आने से पहले 1 घंटा पहले ही पूछते कि दूध पनीर ब्रेड कुछ आएगा बच्चों के लिए। अरे तो अब बोलो, ये सोन का पैकेट आया 20 रुपए का, महंगा लेके आई लुट के, 20 रुपए का बड़े वाले सोन आते हैं। ये बस 20 रुपए का है मम्मी, बस 20 रुपए बस होते हैं? 20 रुपए क्या होते हैं, कमाएगी तब पता चलेगा 20 रुपए। अच्छा आपको पता नहीं 4 साल से कमा रही हूँ पैसे, 20 रुपए बस होते हैं? कमा रही हूँ तभी बोल रही हूँ 20 रुपए बस। मेरे को कुर्ती लेनी है, चल दिला के लक्षिता की। वो नहीं है, 3000 रुपए, 3000 रुपए आप बोलोगे 3000, बस 3000, बस 3000 रुपए, कहीं 20 रुपए में क्या हो गया। सो गाइस स्वीट मॉम जा रही है सारी शॉपिंग करने, राखी वगैरह की। बाय, फोन बज रहा है मेरा, मैं फोन लेके जाऊंगा। प्रथम गुप्ता हेलो, हेलो हेलो, यस यस यस, मैं कह रहा हूँ कि उनका तब तक मैसेज ही नहीं आया, कहीं जा रहा, वैसे देख के मना तो नहीं कर दिया। अरे चिल करो ब्रो,
मामा के घर के लिए हो रही है तैयारी, कल जाएंगे नानी हाउस। नानी है नहीं है बोलने में तो नानी हाउस ही आता है हमेशा। तो फ्रेंड्स ये नानी के घर जा रहे हैं, दोनों भाभियों के लिए लुंगे एक जैसे। तो ये देखते हैं और आप लक्षिता फिर वो देख के आए, कुर्तियाँ क्या हुआ फिर लेके तो आप आए नहीं पहली बार। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है बहुरानी जी के लिए लुम्बा, देव की बीवी की जो पहली वो है। तेरी नजर लग गई, तेरे मन में नहीं थी ना कुर्ती लूँ, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। चोरी छिपे गई थी मैं बिल्कुल। मैं निक्कू से बोली शीशी शीशी, बोला मम्मी कोई डर मार है, मैंने कहा हाँ वो बोलेगी, कह रहा चलो मैं दिला देता हूँ, बोलेगी तो फिर। देखा मेरा लड़का, आपका लड़का तो है ही, पसंद ही नहीं आई। मैं भावेश को कौन सी राखी बांधूंगी, मुझे भी तो दे दो एक। कोई भी एक बांध दे। ये देखिए फ्रेंड, रोली चावल का पर्स। ये बड़ा सुंदर लगा मम्मी को, ये उषा बुआ ने दिया है हमें। ये देखो रोली चावल, और ये कपड़े का बना हुआ है। मैं सोचती थी कड़क है, कड़क नहीं है, ये आराम से खुल रहा है, सुंदर लग रहा है ना। हाँ। दिखाओ इधर, दिखाओ ढंग से, दिख नहीं रहा हमारे फ्रेंड्स को। रुक ना। और भाभी जी कब की कह रही है करने को? अब तो कल ही होगी। भाभी जी तो अपनी अपनी चलाती हैं, वो मेरे से दोनों राय लेती हैं, बेटियों से राय लेती हैं। बेटियों से पूछ लिया छुट्टी, दुरानी जाए भाड़ में। मम्मी जब तुम्हारी बेटी की भी शादी होगी ना, तुम भी अपनी बेटी से ही राय लिया। दुरानी जानी से कुछ तो राय लूंगी, जो हमारे पितरों के काम है, पितर पूछते हैं हमारे उसमें सोन में। और सोन का है वो भी तो दिखाऊं, कहाँ रख दिए सोन, जो इतने महंगे हैं 20 रुपए के। दीक्षा शुभ के होते हैं वो पितरों के। नहीं मैं आपकी बात कर रही हूँ, 20 रुपए के आपको इतने महंगे लग रहे हैं, कमाल ही हो गया बिल्कुल ही, चल ही पाड़ दिया है। ये भी रोली चावल दीदी ने दिया है। ये देखो ये राखी, अब इसमें दीक्षा की भी राखी है, मेरी भी राखी है। और आप तो हो ही राखी, और मैं तो हुई राखी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ सोन जी माता, गाइस कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, खटमल चले गए। अभी कुछ नहीं पता, दीक्षा दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसे कहां से आ जाएंगे अब दोबारा। ये देखो फ्रेंड्स लुम्बे, खाने के मारे वहां से कुदकड़ी मार के यहाँ आके बैठ गए। वैसे तुम्हें वही सोफा चाहिए बैठने के लिए। मैं कोई बंदर हूँ? कुदकड़ी मार जलेबी भी आई है, सोनिका तो खुश हो जाएगी। ले रहे हो आप लोग, रख रहे हो तो अपने लिए रख लो। बंदर की बात नहीं है, कुदकड़ी मार के यहाँ से वहां कूदे हो खाने के लिए। पापा थोड़ी सी निकाल लो। क्या दे? पटेल। पटेल क्या होता है? वही पटेल जो मेरे दहेज में आई थी 48, जो तुम गुरुद्वारे से लाए थे वो दहेज में दी थी। हाँ वो मतलब है कि कहाँ से लाए थे, दी तो थी ना 48। उनको मिटवा दो गुरुद्वारे के नामों को। क्यों? तुम्हारे घर में अगर रेड पड़ गई तो सारी प्लेटें पकड़ी जाएंगी। वो खानी है जलेबी तो आपके लिए निकाल लेती हूँ, बता दो। मुझे नहीं खाने है? चलो छोड़ो फिर, मैं लेके जा रही हूँ सोनिका के, गंदी सी चाय पीऊंगा, समोसे खाऊंगी। सोनिका की गंदी सी चाय क्यों? आपने घर में चाय नहीं अच्छी थी? लास्ट टाइम अच्छी बनाई थी उसने, बना दी अच्छी चाय। यार अब फेस्टिवल डे है, क्या करे, बोर हो रहे हैं घर पे, रेडी भी हो चुकी हूँ, रेडी होगी फिर क्या करे इंसान। कहानी करना चले घूमने, क्या शॉपिंग करवाओ, 2-3 लाख रुपए की तो मैं चलूँगी। सुनो कमलनगर चलते हैं, सेल लगी हुई है 50-30 की। चलें चलें फ्रेंड्स, अब नहीं बोलेंगे ये। और आप कहते हैं ये स्वीट, ये लगते हैं कहीं से स्वीट, बीबी को 10 रुपए भी ना दे। मैं ये शॉपिंग करा दूं तो स्वीट हूँ, वैसे वो हूँ तो है ही हिटलर। तो ले आदमी का काम क्या है, जो काम है वो ही ना करे तो वो आदमी किस काम का है, जब शॉपिंग ही ना कराए तो। बाय। नहीं।